स्टूडेंट्स सीए फाउंडेशन का सेल और रिटर्न जो अकाउंट्स का चैप्टर है उसमें मे 2018 क्वेश्चन टू सी जो फाइव मार्क्स के लिए पूछा गया था उसका ये सल्यूशन हम सीखने वाले हैं सेल और रिटर्न इसके सामने दूसरा भी एक क्वेश्चन ऑप्शन में था वो भी फाइव मार्क्स के लिए था मिस्टर भंडारी सेंड्स गुड्स टू हिज कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न यानी गुड्स बेचा अगर आपको अच्छा लगा तो आप यूज करिए दीजिए और अगर अच्छा नहीं लगा तो गुड्स वापस करिए और इसके लिए कुछ टाइम लिमिट दिया जाता है कि ये गुड्स आप रखिए जैसे हम एमेजोन से खरीदेंगे कुछ सामान तो सेवन डेज का टाइम देते हैं है ना और सेवन डेज में बिना यूज किए रिटर्न करना होता है कि यूज नहीं कर सकते हो देख सकते हो अगर ड्रेस खरीदा है तो एक बार पहन के देख सकते हो टैग्स वगैरह भी अच्छे होने चाहिए पैकिंग भी होना चाहिए राइट सो यू कैन यूज इट एंड वॉश इट एंड देन रिटर्न तो सेल और रिटर्न का भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे ही है गुड्स आपको दिए हैं आप देखिए आपको पसंद आ रहे हैं कलर पसंद आ रहा है मेक पसंद आ रहा है वगैरह वगैरह वॉट यू नीड टू चेक चेक एंड आपको सात दिन पंद्रह दिन वॉट बेस्ड ऑन द सप्लायर टाइम दी है उसके पहले अगर आपको रिटर्न करना है तो रिटर्न कर देना पड़ेगा उसके बाद ऐसा अज्यूम कर लिया जाएगा कि आपने वो खरीद लिया है और फिर पैसे ले लिए जाएंगे Amazon में तो थोड़ा उल्टा भी होता है कि पैसे तो वो पहले ले लेते हैं अगर आपने रिटर्न कर दिया तो पैसे रिटर्न करते हैं राइट right? तो आगे यहां पे देखते हैं क्या बोल रहे हैं मिस्टर बद्री सेंड्स गुड्स टू हिज कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न फॉलोइंग ट्रांजेक्शन took प्लेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ December टू थाउजेंड December को सेंड गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न एट कॉस्ट प्लस ट्वेंटी फाइव परसेंट रुपीज एटी थाउजेंड अब है ना थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है अगर आप सजेस्टेड आंसर भी देखेंगे तो उसमें लास्ट में एक नोट लिखा है कि ये जो भी वैल्यूज दी गई है क्या वो कॉस्ट प्राइस है या वो सेलिंग प्राइस है वो क्लियरली क्वेश्चन में नहीं मैं तो कंफ्यूजन अराइज हो सकता है तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये सारी वैल्यूज जो दी गई वो इनवाइस प्राइज है यानी कि सेलिंग प्राइज है ओके तो अस्सी हजार रुपए के सेल वैल्यू के गुड्स कस्टमर को दिए को गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर रुपीज थर्टी फाइव एटी में से थर्टी फाइव के गुड्स वापस आ गए रिसीव लेटर्स फ्रॉम कस्टमर फॉर अप्रूवल थर्टी फाइव थाउजेंड तो थर्टी फाइव थाउजेंड के उन्होंने अप्रूवल कर दिए गुड्स विथ कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल फिफ्टीन थाउजेंड अब यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है कि एट्टी थाउजेंड के गुड्स भेजे हैं और टोटल तो एट्टी फाइव थाउजेंड हो रहा है तो आप टैली करने मत जाइए आइडियली टैली होना चाहिए अगर सिर्फ इतने ट्रांजेक्शन है तो आप इसको टैली करने मत जाइए आप ऐसा करिए कि इसके पहले भी कुछ शायद सेल ऑन अप्रूवल में भेजा होगा किसी और को पता नहीं है तो पंद्रह हजार के गुड्स उनके पास पड़े हुए हैं कभी ट्वेंटी दिसंबर को गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल मिस्टर बद्री रिकॉर्ड सेल और रिटर्न एज ऑर्डिनरी सेल मतलब जब कस्टमर को गुड्स बेचा तो उसको रिकॉर्ड कर लिया एज सेल अगर उसने रिटर्न कर दिया तो एंट्री करूंगा अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे कुछ नहीं करना है क्योंकि जब मैंने गुड्स भेजे थे तभी तो मैंने सेल कंसिडर कर लिया था तो क्या बोला यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बद्री अज्यूमिंग दैट द अकाउंटिंग ईयर क्लोजेज ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसंबर तो ये चार एंट्रीज हमें करनी है और शायद एक आधी एंट्री एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी देखते हैं क्या तो डिसेंबर टू को हम पहला एंट्री कर रहे हैं डिसेंबर टू 2017। कस्टमर uh, किसको दिया वो तो बताया नहीं है तो हम लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल या फिर कस्टमर लिख सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 35,000। टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 35,000। being नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस ओके टेंथ को क्या हुआ टेंथ को कुछ कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिए 35000 रुपीस के तो ये सेल्स रिटर्न हो गया तो मैं इसको लिखूंगा रिटर्न इनवर्ड थोड़ा सा अच्छा वर्ड लगता है रिटर्न इनवर्ड गुड्स हमारे पास अंदर आ रहे हैं रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को हम डेबिट करेंगे आई एम सॉरी ऊपर वाला अमाउंट थर्टी फाइव थाउजेंड नहीं है सॉरी फॉर द मिस्टेक तो सेकेंड का अमाउंट लिख दिया मैंने ये अमाउंट है आपका एट्टी थाउजेंड ठीक है ना एट्टी थाउजेंड के गुड्स हमने बेचे हैं ओके रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को डेबिट किया और ट्रेड रिसीवेबल को मैंने क्रेडिट किया और ये वाला अमाउंट है वो आपका थर्टी फाइव थाउजेंड है बींग गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स अब थर्ड एंट्री सेवनटीन डिसंबर को रिसीवड लेटर्स फ्रॉम कस्टमर फॉर अप्रूवल इसका क्या करने का कुछ भी नहीं करना है पूछो क्यों कुछ भी नहीं करना है ऑलरेडी सेल का तो एंट्री कर लिया ना सेकेंड डिसंबर को यही गुड्स तो बेचे हैं कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सेवनटीन को इसका कोई भी एंट्री नहीं करना है एक और बार बताता हूं सेकेंड डिसंबर को हमने गुड सेल कर दिया हमने तो ऑलरेडी सेल समझ ही लिया है अगर उसने लेटर दिया कि हाँ जी हमें आपके पसंद आए, ऐसे बोला नहीं है एक्सेप्ट करने का लेटर आ गया है तो लेटर आ गया ऑलरेडी सेल का एंट्री हो चुका है तो सेवनटीन का कोई एंट्री नहीं होगा इसका एक नोट हम लास्ट में लिख देंगे ट्वेंटी को गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल थर्टी फर्स्ट डिसंबर होना चाहिए था लास्ट डे ऑफ द मंथ तो लास्ट डे को थर्टी फर्स्ट डे थर्टी फर्स्ट डिसंबर जो अकाउंटिंग एंड भी है गुड्स जो है वो कस्टमर के पास ही हैं और अभी तक हमें अप्रूवल नहीं मिला है तो अप्रूवल का पीरियड खत्म हुआ है ऐसे भी नहीं बोला है क्वेश्चन में अगर अप्रूवल का पीरियड खत्म हो गया तो वो सेल हो गया ऑटोमेटिक तो अब ये क्या है ट्रांजैक्शन पहली बात क्या सेल हुआ है नहीं हुआ है कितने रुपए का गुड्स है पंद्रह हजार के गुड्स है सेल नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ है क्योंकि दो चीजें हैं एक अप्रूवल का लेटर नहीं मिला है और दूसरा जो पीरियड है वो समाप्त हुआ ऐसे बोला भी नहीं है मतलब ये सेल हुआ नहीं है तो सेकेंड दिसंबर को जो मैंने एंट्री कर दिया था वो गलत हो गया अब उस एंट्री को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा तो मैं सेल्स को रिवर्स कर देता हूं सेल्स अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया और ट्रेड रिसीवेबल को मैंने क्रेडिट कर दिया क्योंकि अब बच्चों समझ में आया आपको ट्रेड रिसीवेबल को मैंने क्रेडिट कर दिया पंद्रह हजार रुपए से इसका नरेशन होगा बीइंग गुड्स नॉट येट अप्रूव्ड बाय कस्टमर्स नाउ रिवर्स ठीक है अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री हमें करना है अब वो के जो के हैं। के नहीं सर वो तो हमारे गुड्स हैं ओनरशिप हमारा है पोजेशन उसके पास है अब हम जब एंड में स्टॉक लेने जाएंगे फिजिकल स्टॉक लेने जाएंगे तब तो ये गुड्स नहीं रहेंगे हमारे पास तो है नहीं फिजिकली तो उसके पास है तो अब एक एंट्री हमें पास करना पड़ेगा कि ये जो गुड्स हैं, फिजिकली हमारे पास है नहीं पर इसको हमारे स्टॉक में एक लेने का एंट्री करना पड़ेगा तो जर्नल एंट्री होता है क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री होता है स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट होता है तो यहां पे वो एंट्री करना पड़ेगा स्टॉक विथ कस्टमर्स ऐसे लिख सकते हो आप स्टॉक कहां पे है स्टॉक विथ कस्टमर उंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट ओके अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ध्यान दो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू में सीखा है कि जो स्टॉक का वैल्यूएशन होता है वो होना चाहिए कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर है ना कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे होना चाहिए अब हम तो 25 टका बढ़ा के बेच रहे हैं यानी कॉस्ट कम ही है एनआरवी से तो कॉस्ट है अगर हंड्रेड तो हम प्रॉफिट पच्चीस रुपया चढ़ा के सेलिंग प्राइस एक सौ पच्चीस रुपया रख रहे हैं हाँ बोलिए ना बोलिए एक वर्किंग नोट है आपका वर्किंग नोट नंबर वन तो अभी पंद्रह हजार जो प्राइस है हमने स्टार्टिंग में बोला कि हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि जो पंद्रह हजार है वो इनवाइस प्राइस है तो पंद्रह सेलिंग प्राइस है तो वो जो रूल अप्लाई करना है तो कॉस्ट ढूंढना पड़ेगा ना बेटा तो कॉस्ट कितना हो जाएगा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फिफ्टीन थाउजेंड इन टू हंड्रेड अपॉन वन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फोर जा ट्वेंटी फाइव फाइव और फाइव थ्री जा तो बारह हजार क्या हुआ बेटा कॉस्ट प्राइस हुआ तो जो स्टॉक उसके पास पड़ा है उसको मेरे स्टॉक में मैं ले रहा हूं पर वैल्यू क्या लिखूंगा बारह या पंद्रह बारह हजार लिखूंगा तो ये जो जर्नल एंट्री हम करेंगे वो बारह हजार रुपए से करेंगे स्टॉक विथ कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट इसका नरेशन होगा बीइंग गुड्स विथ कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न इंक्लूडेड इन अवर स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस नोट नंबर वन इट इज अज्यूम दैट द वैल्यूज गिवन आर इन प्राइस एंड नॉट कॉस्ट प्राइस अजम्पन नंबर टू अजम्शन नंबर टू हमारा क्या था भूल गया मैं आई थिंक आई मैंने कुछ बताया ना आपको कि इसका एक नोट लिखेंगे हाँ याद आया इट इज अज्यूम्ड दैट स्टिल द पीरियड ऑफ अप्रूवल इज नॉट यट ओवर हेंस इट इज द सेल इज रिवर्स्ड एंड इट इज कंसिडर्ड एज अवर स्टॉक ठीक है तो ये था आपका सेल और रिटर्न का क्वेश्चन नंबर टू सी Thank you.